राफेल जेट विमानों को आखिरकार औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन बेहद खास है। देश भर में राफेल की चर्चा ने हर किसी को उत्साहित किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इसके बारे में प्रतिक्रिया देने से खुद को ना रोक पाए। धोनी ने राफेल के वायुसेना में शामिल होने पर खुशी जाहिर की और इसे सेना की ताकत बढ़ाने वाला कदम बताया। धोनी ने ट्वीट कर लिखा, जंग में खुद को साबित कर चुके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के शामिल होने के साथ ही इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट भी मिल गए हैं। हमारे काबिल पायलटों के हाथों और भारतीय वायुसेना के अलग अलग विमानों के बीच इस विमान की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। धोनी ने यह भी साफ किया कि उनका पसंदीदा लड़ाकू विमान अभी भी सुखोई ही है। उन्होंने लिखा कि 17वीं स्क्वाड्रन को शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूं कि राफेल मिराज 2000 के सर्विस रिकॉर्ड को तोड़े, लेकिन सुखोई अभी भी मेरा फेवरेट जहाज है और जवानों को डॉग फाइट के लिए एक और नया लक्ष्य मिल गया है। धोनी खुद टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं और पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद धोनी ने कश्मीर में सेना के साथ करीब 2 हफ्ते तक वक्त गुजारा था, जहां उन्होंने अलग अलग ड्यूटी की थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी सोशल मीडिया पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म पर वह बहुत कम एक्टिव रहते हैं। इस पूरे मुद्दे पर और राफेल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें tv9bharatwarsh.com। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।